हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज हम इधर छत पे आ चुके हैं इधर, और हम अभी स्किपिंग करने वाले हैं, जो कि बहुत सही एक्सरसाइज होता है। আমি এখন উপরে যাবো নাকি? তোরা এই পাশে এসে করিস তাহলে। আচ্ছা যাও, ওদের বাড়িতে পড়বে না, এটা আমাদের বাড়িতেই পড়বে। দুমাস ছিল নিয়ে দেখা এই রান্না করে सो फ्रेंड्स, अभी हम इधर से जा रहे हैं फिर से हावरा। सो फ्रेंड्स, हम अभी इधर से ऑटो में जा रहे हैं क्योंकि अभी ट्रेन में बहुत भीड़ होगी, क्योंकि अभी सबका ऑफिस टाइम है। तो हम इधर से ऑटो में इधर से जोधपुर जा रहे हैं, फिर जोधपुर से मध्यमग्राम, फिर मध्यमग्राम से सीधा हावरा। जोधपुर पहुँच गए हैं और इधर मतलब हमारा पुराना घर भी है इधर ही, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इधर पियरलेस नगर में ही है हमारा पुराना वाला। कभी नहीं देखा है हमने, ये पहली बार देखा। फ्रेंड्स, हम फिर से एक और ऑटो में बैठ गए हैं और अब इधर से हम जाने वाले हैं मध्यम ग्राम। इधर पहुंच गए हैं मध्यम ग्राम, फिर अब इधर से जाने वाले हैं
और इधर मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग जैसा कुछ दिखा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये देखो, ये दुकान बिरयानी के लिए बहुत अच्छा है, जीशान। और इधर सोल्जर से मूर्ति बने, फ्रेंड्स हम घर पहुंच गए हैं। मध्यम ग्राम पहुंचने के बाद हम बस में आए हैं इधर। हाँ बस में ही आए, हाँ बस में आए हैं। और फिर उधर से हम इधर हावड़ा में पहुंच गए, ई रिक्शा में आए हैं इधर, जिसे हम टोटो कहते हैं। कभी नहीं पहनेंगे हम लोग। तो गाइस हम अभी जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम फिर से मतलब फिर से क्या, हम अभी जा रहे हैं घूमने। सो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं स्ट्रीट फूड खाने। बाबा आ गए। हम लोग So friends, अभी हम जा रहे हैं। ओ फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं घूमने। अबे अच्छी बात। और मोर चोरंगी। So friends अभी हम जा रहे हैं अशोक नगर चोरंगी। तीन नंबर मोर चोरंगी। Enjoy करने सी फूड, स्ट्रीट फूड। सी फूड? स्ट्रीट फूड। सी फूड पावा जावे। सी फूड खाने के। बारह शो में बारह शो देता हूँ। अशोक नगर तीन नंबर मोड़ चौरंगी में। इधर ऐसा मतलब कुछ है, मतलब बहुत सारे स्टॉल्स हैं। सो फ्रेंड्स देखो हम इस दुकान पे, इधर का मैं मेन्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो फ्रेंड्स इधर बन रहा है चिकन साटा। चिकन साटा खाएगा हमारा दादा। तो फ्रेंड्स इधर मेरा भाई इधर मोमो खा रहा है, मतलब खा नहीं रहा है, खाएगा। सो फ्रेंड्स इधर देखो हमारा स्प्रिंग रोल आ गया है, स्प्रिंग रोल। और हम लोग वेट नहीं कर पा रहे अभी, तो हमें तो फटाफट डालना है। हमारा ये मोमो भी रेडी हो चुका है।
चौल डंपलिंग्स डंपलिंग्स है तो अच्छा ये डंपलिंग्स है डंपलिंग्स इधर दी इधर सो फ्रेंड्स स्प्रिंग रोल बहुत अच्छा था पर ये चिकन साटे बहुत फालतू है, मतलब ये मंचूरियन टाइप का है वो नहीं है, मतलब इसके अंदर वैसा कुछ नहीं है। हाँ बस इसका नाम चेंज करके दे दिया है ऐसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स अब हम इधर एग रोल खाने आए हैं और इधर देखिए इधर एक सांता क्लॉस है और यहाँ का एग रोल मतलब क्या इतना बड़ा है, मतलब यार्ड, मतलब एक यार्ड उंगली से लेके एल्बो तक का इतना बड़ा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताना और लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিন। सो फ्रेंड्स अभी हम इधर चाय पीने आए हैं, ग्रामीण कैफे में मोमोस हटा गाइस अभी आप ओपन देखो, ऐसे लग रहा है ना इसके अंदर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा इसके अंदर ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा देखना, अभी खोल के बताता हूँ। देखिए गाइस खोलते माय गॉड अ सीक्रेट स्टैंड आंसर आई स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ। वाह
একবার সত্যি এরকম থাকবে চকলেট চকলেট চা খাইগে सो फ्रेंड्स मेरे फर्स्ट वाले ब्लॉग में मैंने बोला था कि ये है कृष्ण और ये कौन है मुझे नहीं पता, मुझे अभी पता चल गया, ये कृष्ण है, ये अर्जुन है और ये भीष्म पितामह है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कृष्ण ने पहले बोला था, ये महाभारत होने से पहले बोला था कि मैं इस युद्ध में कोई वो नहीं पकड़ूंगा, मतलब कोई वेपन शस्त्र, और लास्ट में ये भीष्म पितामह अर्जुन को मारने आ रहे थे तो कृष्ण जी ने फर्स्ट टाइम उसमें वो पकड़ा था कोई चक्र, चक्र ये चक्र नहीं है, वो पहिया है रथ का, पर उसने वो मारा नहीं था, उठाया था मगर कृष्ण अर्जुन ने रोक लिया था अर्जुन, मतलब जो वादा किया उसकी युद्ध नहीं कर सकेंगे ना क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्होंने उठा लिया था तो अर्जुन ने रोक लिया कि नहीं आप नहीं युद्ध कर सकते हो, आप धर्म का आपका अधर्म अधर्म हो जाएगा, ये तो इसीलिए कमिटमेंट के लिए उन्होंने रोक लिया था। ओके और फ्रेंड्स फर्स्ट व्लॉग में मैंने ये भी बोला था ये कौन है मुझे नहीं पता, अभी मुझे पता चल गया ये है चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव धर्म के फाउंडर है और इनका मंदिर नवद्वीप में भी है, बंगाली धर्म में कृष्ण जी का जिनने प्रचार किया है इनने ही किया है, इनको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स हमने इनका सीरियल भी देखा है पर तब हम बहुत छोटे थे तो समझ में भी नहीं आता था, तो हम देखते क्या अभी समझ में आ गया सब। तुम जो वीडियो बना चुका हो ना যখন আমি আমার যখন মনে পড়বে তখন এগুলো দেখব। सो फ्रेंड्स हम घर में आ चुके हैं, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बाय बाय।